फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं शिवम पांडे आपके अपने YouTube चैनल इनक्रेडिबल फिशरीज में। तो आज जो हमारा फिश फार्मिंग का कोर्स है उसका वीडियो पार्ट टू है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाटर और सॉइल के, पानी और मिट्टी के ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनको आपको फिश फार्मिंग करने से पहले जानना और टेस्टिंग करवाना जरूरी होता है। तो आज हम वाटर क्वालिटी एंड सॉइल क्वालिटी पैरामीटर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि फिश फार्मिंग करने से पहले जो बेसिक चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है और बेसिक क्वेश्चंस थे उनके मैंने आपके बारे में जानकारी दी थी। और इस वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे कि सारी चीजें जो इस टॉपिक में आपको आने वाली हैं तो आपको अच्छे समझ में आ सके। तो बेसिकली जो चीजें आपको बताने वाला हूँ वो बहुत जरूरी चीजें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक फिश फार्मिंग के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, आपके कल्चर की ग्रोथ के लिए और आपके मुनाफे के लिए बहुत उपयोगी चीजें हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, किसानों को भी शेयर करके रखना है और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए दोस्तों, बिना स्किप किए हुए, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सभी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिट्टी और पानी का जो परीक्षण होता है, वाटर एंड सॉइल की जो टेस्टिंग होती है, वो मछली पालन करने से पहले जरूरी क्यों है? पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपके बेसिक चीजें मजबूत नहीं हैं तो आपका, जैसे आपका घर बनाते हैं आप, तो अगर आपका पिलर, आपका बेस मजबूत नहीं है तो आपके घर की ईंट की दीवारें, चाहे आप कितनी भी भयंकर बनवा लीजिए, कितनी भी चीजें रख लीजिए, कितना भी अच्छा सीमेंट या यूज कर लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। सेम वैसी ही चीज होती है मछली पालन के व्यवसाय में, मछली पालन के बिजनेस में। जो मिट्टी और पानी है, मेन चीजें यही है। मिट्टी जो आपको आधार देने वाली है, तालाब का पानी जो आपको, पानी जो है वो आपको मछली को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला है। तो अगर अर्थन पॉन्ड की बात करें, अर्थन पॉन्ड की बात करें, मिट्टी के तालाब की बात करें, तो आपको मिट्टी और पानी के जो पैरामीटर्स हैं उनको चेक करवाना अनिवार्य है। वाटर और सॉइल क्वालिटी पैरामीटर्स की टेस्टिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जो चीज़ें हैं कि वाटर एंड सॉइल में कौन कौन से पैरामीटर्स आपको जरूरी होते हैं, तो सबसे पहले बात करें अगर पानी की, तो आप ध्यान रख रहे हैं कि आप एक्वा कल्चर में हैं। एक्वा कल्चर में सबसे जरूरी चीज जो है वो पानी का कल्चर है। पानी में ही कल्चर आप कर रहे हैं तो वो एक्वा कल्चर है। अब पानी की जो चीजें हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज, मिट्टी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज फिश फार्मिंग में आता है, वो पानी का आता है। पानी का रोल आपके सबसे लिए सबसे बड़ा जरूरी चीज है, पानी का रोल। पानी के जो पैरामीटर्स हैं अगर वो मैनेज नहीं है, मेंटेन नहीं है, तो आपके कल्चर पे बुरा असर पड़ सकता है। तो आपको बताता हूँ कि कौन कौन से क्वालिटी पैरामीटर्स कौन जरूरी हैं और उनकी रेंज क्या क्या होनी चाहिए एक आइडियल पॉन्ड वाटर में अगर आप फिश फार्मिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले बात आती है पीएच की। जो पीएच होता है ये पानी का एल्किनिटी या एसिडिटी डिसाइड करता है। एल्किनिटी यानी उसका जो है, एसिडिटी यानी अम्लीयता और क्षारीयता डिसाइड करता है कि आपके पानी का पीएच क्या है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पीएच जो है वो हाइड्रोजन आयन के और जो नंबर्स हैं उनको बताता है। और आपको बता दूं कि जो पीएच का इम्पोर्टेंस है वो आपके पानी के क्वालिटी के ऊपर भी बहुत पड़ता है। कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि पीएच के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो आइडियल वाटर पॉन्ड जो अपने इधर चलते हैं, फ्रेश वाटर पॉन्ड कहते हैं जिसे हम, जो मीठे पानी का एरिया है, सोर्स है, नॉर्थ का एरिया है, तो अपने पानी का जो आइडियल रेंज है पीएच का, वो 6.5 से 8.5 हो सकती है। अगर आपके पानी की वाटर क्वालिटी 6.5 से 8.5 के बीच में आ रही है टेस्टिंग में, पीएच जो है आपका आ रहा है, तो आपका पानी फिश फार्मिंग करने के लिए उपयुक्त है। इनसे नीचे या इस रेंज से ऊपर जाने पर पीएच के बैलेंस के लिए आपको चूना या जिप्सम सॉल्ट का यूज करना पड़ सकता है। तो पीएच की आइडियल रेंज आपको 6.5 से 8.5 के बीच ही रखनी है। तो ये आपका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर पानी का आता है, जो वो है पीएच। फिर दूसरा आता है आपके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट में, वो आता है कार्बन डाइऑक्साइड। आपके पानी में CO2 का लेवल कितना होना चाहिए? अगर आपके पानी में CO2 का लेवल 10 ppm से, 10 पार्ट्स पर मिलियन या 10 mg पर लीटर से कम है, कार्बन डाइऑक्साइड जो घुलित कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पानी में अगर 10 ppm से कम है या 10 mg पर लीटर से कम है, तो ये पानी आपके कल्चर के लिए, फिश फार्मिंग के लिए उपयुक्त। सबसे जरूरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके फिश कल्चर को डायरेक्टली इफेक्ट करती है वो है अमोनिया का लेवल। अमोनिया का लेवल इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने तालाब में जितने भी सड़े गले मटेरियल नीचे बैठते हैं, बॉटम पे बैठते जाते हैं, वो सड़ने के बाद जब उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है तो उससे अमोनिया गैस निकलती है, चाहे वो मछली का एक्सीटा हो, वेस्ट फीड हो या अदर चीजें हो। तो अमोनिया गैस का जो डिजोल्व अमोनिया गैस है वो पानी में विषाक्तता उत्पन्न करती है, मतलब वो पानी में टॉक्सिसिटी को बढ़ाती है और मछलियां मरने लगती हैं। तो सबसे पहली बात कि आपके पानी में अमोनिया का लेवल
जीरो से 0.5 ppm के बीच में होना चाहिए, ये पानी आपके फिश फार्मिंग के लिए उपयुक्त है। इसके बाद बात करें तो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल। डिजॉल्व ऑक्सीजन आप सभी जानते हैं कि सभी जो जीव हैं, जो भी पृथ्वी पे सांस लेने वाले जीव हैं, उनके लिए सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन है। उसी तरीके से मछलियों में भी गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन जो है, पानी की डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो ली जाती है। ऑक्सीजन का लेवल 5 mg पर लीटर से, 5 ppm से ज़्यादा हो वो आपके लिए बहुत अच्छा लेवल माना जाता है। हालांकि जब आप टेस्टिंग करते हैं तो जो फ्रेश वाटर, तुरंत ताज़ा भरा हुआ पानी है, उसी का आप ऑक्सीजन टेस्ट कर सकते हैं। पुराने सैंपल का आप ऑक्सीजन टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो ऑक्सीजन की रेंज है वो 5 mg पर लीटर या 5 ppm से ज़्यादा होनी चाहिए, या उतनी ही हो तो इससे थोड़ा बहुत नीचे चल सकता है। जो मैं आपको रेंज बता रहा हूँ, इससे पॉइंट भी थोड़ी बहुत चीज़ें चल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये चीज़ें देखना है, ऑक्सीजन सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो मैंने आपको चार चीज़ें बताई, पीएच 6.5 से 8.5, कार्बन डाइऑक्साइड 10 mppm से कम, और अमोनिया लेवल 0.5 ppm से कम, फिर आता है अपना डिजॉल्व ऑक्सीजन जो कि 5 ppm या 5 mg पर लीटर के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब आपके पानी की जो हार्डनेस है, जो खारापन है आपके पानी का, वो कितना होना चाहिए? तो आप जब टेस्ट करेंगे तो आपके पानी की हार्डनेस 40 से 400 ppm के बीच में अगर आ रही है तो ये एक बहुत अच्छी रेंज है, और ये रेंज आपकी फिश फार्मिंग के लिए आपका पानी उपयुक्त है ऐसा बता रही है। तो आपके पानी का हार्डनेस या खारापन जिसको बोलते हैं, वो 40 से 400 ppm के बीच पे होनी चाहिए। उसके बाद अपन आते हैं एल्किनिटी पे। एल्किनिटी को क्षारीयता कह सकते हैं, और इसका लेवल 50 से 300 ppm के बीच में होना चाहिए। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये एक पानी के क्वालिटी पैरामीटर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, और इतने की लेवल का रेंज आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में आने चाहिए। अब बात करते हैं मिट्टी की। तो सबसे पहली बात तो एक मिट्टी का जो टाइप होता है, क्ले लोमी। क्ले लोमी सॉइल जो होती है वो फिश फार्मिंग के लिए, फिश फार्म के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। अगर आपके पास समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि जो आपकी मिट्टी है उस पे 70% क्ले हो, 20% सैंड हो, 10% सिल्ट हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। मतलब आपकी काली मिट्टी जो है, और कभी कभी आप देखेंगे कि हल्की सी पीली मिट्टी होती है, मतलब काली और पीली के मिक्स का जो होता है, पीली मिट्टी प्योर नहीं, प्योर पीली मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी, पथरीली मिट्टी हमेशा फिश फार्मिंग के लिए अनुपयुक्त होती है, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में सीपेज ज़्यादा होता है और आप सीपेज का बिल्कुल भी कंट्रोल करने में असमर्थ होते हैं, तो आप फिर पॉन्ड लाइनर का यूज़ करते हैं। तो मिट्टी का जो टाइप है, बहुत ज़्यादा बलुई ना हो, बहुत ज़्यादा पथरीली ना हो, काली हो चल सकता है, और उसकी उर्वरक क्षमता पर डिपेंड करता है। तो क्ले लोमी सॉइल जो है बहुत अच्छी मानी जाती है इसके लिए, फिश फार्मिंग के लिए। अब जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स से मैंने बात करी थी पीएच की, इसी तरह सॉइल का भी पीएच बहुत बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आपके सॉइल का जो पीएच है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है आपकी फिश फार्मिंग का स्टार्ट करने के लिए। तो सॉइल के पीएच की आइडियल रेंज होती है 6.5 से 7.5 के बीच में, जिसे आप मॉडरेट एल्कलाइन सॉइल भी कह सकते हैं। तो सॉइल के जो पीएच का रेंज बताया कि 6.5 से 7.5 के बीच मॉडरेट एल्कलाइन सॉइल जो होती है वो फिश फार्मिंग के लिए, तालाब बनाने के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद आते हैं हम कि प्रोडक्टिविटी पे आते हैं, क्योंकि सॉइल से आप जानते हैं कि सॉइल में अगर मिट्टी का तालाब है तो उसी से सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, उसी की उर्वरक क्षमता का उपयोग हम तालाब में करने वाले हैं, चाहे वो प्लैंकटोनिक ग्रोथ में हो, चाहे तालाब की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे हो। तो सबसे बड़ी चीज़ है मिट्टी के अन्य जो फैक्टर हैं वो क्या क्या होते हैं पीएच के अलावा। तो पीएच के अलावा आपके जो कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो है वो चेक करवाना चाहिए आपको। अगर कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो 10 से 15 के बीच में है तो वो मिट्टी आपके कल्चर के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। दूसरी चीज़ होती है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर आपकी मिट्टी की प्रोडक्टिविटी को, यानी उर्वरक क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। तो आपकी मिट्टी में अगर 1.5% से 1.5% से 2% तक ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है सैंपल में, आपके सॉइल सैंपल में अगर 1.5% से 2% तक का सैंपल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो आपकी मिट्टी जो है वो अच्छी मानी जाती है फिश फार्मिंग के लिए। फिर आते हैं फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरा के बहुत अच्छा तत्व है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मिट्टी की पीएच को या मिट्टी की उर्वरक क्षमता को डायरेक्ट प्रभावित करता है। तो फास्फोरस का जो लेवल है, फास्फोरस का लेवल आपकी मिट्टी में कम से कम 6 से 12 mg पर 100 ग्राम के सैंपल में होना चाहिए। अगर आप अपने 100 ग्राम का मिट्टी का सैंपल लेते हैं तो उसमें 6 ग्राम से 12 mg फास्फोरस प्रेजेंट होना ही चाहिए। ये एक बहुत अच्छी रेंज मानी जाती है फास्फोरस की, और ये तत्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिश फार्मिंग के लिए। फिर आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो डिकम्पोजिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करता है। तो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो होना चाहिए 50 से 75 mg पर 100 ग्राम के सैंपल में। नाइट्रोजन का जो रेंज है 50 से 75 mg नाइट्रोजन
पर 100 ग्राम के सैंपल में होना चाहिए। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस की बात नहीं हो रही है, नाइट्रोजन तत्व की बात हो रही है, जो आप देखते होंगे एनपीके का रेशियो होता है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का। तो ये जो रेशियो है ये आपका मजबूत होना चाहिए। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो आपका 10 से 15 के बीच में है, फास्फोरस आपका 6 से 12 एमजी पर 100 ग्राम के बीच में है, आपका पीएच जो है वो 6.5 से 7.5 के बीच में आ रहा है, और आपका जो सिस्टम है नाइट्रोजन का वो आपकी 50 से 75 एमजी पर 100 ग्राम के सॉइल में आ रही है। तो ये जो चीजें बताई मैंने और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके वाटर एंड सॉइल की टेस्टिंग में आपको निकल के आती हैं, जो आपके वाटर एंड सॉइल की पैरामीटर्स में आपको ध्यान रखना होता है, अगर आपके पैरामीटर्स इतने हैं या थोड़ा बहुत आगे पीछे हैं तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सॉइल और इस तरह की चीजें जो है, ये रेंज की सॉइल और ये रेंज का पानी आपके पास है तो आप मछली पालन का बिजनेस बिना किसी देरी के स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है, उर्वरक क्षमता बहुत अच्छी है, आपका पानी भी प्रोडक्टिव है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हैं कि सीपेज कैसे चेक करते हैं, सीपेज का टेस्ट होता है जिसमें, तो उसमें जो मिट्टी का परसेंटेज है कि एक मिट्टी के सैंपल में कितने परसेंटेज का सीपेज है वो निकाला जाता है। अगर आपकी मिट्टी के सैंपल में जो जल धारण क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो 50% आ रही है, 50% से ज्यादा आ रही है, 50% से कम हो रही है, मतलब ज्यादा होनी चाहिए आपकी जो मिट्टी का सैंपल है वो 50% लगभग या 50% से ज्यादा का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, तो ये एक अच्छी मिट्टी मानी जाती है और आपको इसमें सीपेज की प्रॉब्लम देखने को बहुत कम या मिलेगी। तो और वाटर में देखें तो टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की बात जो होती है, टेम्परेचर अपना हमेशा जो अपना फ्रेश वाटर का है तो अपना 20 से ऊपर रहता है, 20 से ऊपर का टेम्परेचर हमेशा अपने को मिलेगा अपने एरिया में, नॉर्थ के एरिया में। कई कई जगह वेराइटी होती है ठंडी या गर्मी के मौसम में, बट 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको अपना टेम्परेचर मिलेगा। और टेम्परेचर असल में फिश की स्पीसीज पे भी, वेराइटी पे भी डिपेंड करता है कि वो वार्म वाटर स्पीसीज है या कोल्ड वाटर स्पीसीज है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी और पानी के पैरामीटर्स, इनको आप जरूर से जरूर चेक करवाएं और इनको जरूर से जरूर देखें कि आपके लिए क्या होने वाला है और कैसी चीजें आपके रेंज जो बताई मैंने उसके बीच में मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक चीज मैं भूल गया था, वाटर की सैलिनिटी, सैलिनिटी जो होती है नंबर ऑफ NaCl आयंस, मतलब नमक के आयन, कितना नमकीन है आपका पानी उसको दिखाता है। तो सैलिनिटी जो होती है वो फ्रेश वाटर की, यानी जो अपना मीठा पानी है, इसके 0.5 PPT तक जाती है, उससे कम रहती है या 0.5 PPT तक जाती है। ब्रैकिश वाटर की पीपीटी जो झील का पानी है उसका पीपीटी जो है वो, उसका जो सैलिनिटी है वो 0.5 से 15 PPT तक जाता है, और मरीन वाटर में ये 30 से 35 PPT तक जाता रहता है। तो अपने फ्रेश वाटर की जनरली 0.5 PPT तक सैलिनिटी होनी चाहिए तो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये जो चीजें बताएं, ये जो पैरामीटर्स बताएं, ये आपके फिश फार्मिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वाटर सॉइल टेस्टिंग जरूर करवाएं मछली पालन का बिजनेस शुरू करने से पहले। तो यकीन है जो मैंने जानकारी दी इस वीडियो के माध्यम से वो आप सबको पसंद आई होगी। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करके हमें आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है जिसपे देश के अलग अलग प्रदेशों से फिश फार्मर जुड़े हुए हैं, तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। तो ये पार्ट 2 फिश फार्मिंग कोर्स का पार्ट 2 जो है, उम्मीद है मुझे पसंद आया होगा। तो आप सब इस तरह के वीडियो के लिए बने रहें। तीसरा जो पार्ट है, आने वाले वीडियो का तीसरा पार्ट है, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि मछली की स्पीसीज का चयन कैसे करें, कौन सी मछली आपको पालन करना है इसका चयन आप कैसे करें, तो वो जानकारी मैं आपको तीसरे पार्ट में देने वाला हूं। तो उसके लिए आप सब तैयार रहें, इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो जानकारी मिली है आप उसको सभी तक शेयर करें और सभी इंक्रेडिबल फिशरीज के साथ बने रहें। फिश फार्मिंग के इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक आते रहेंगे, जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए इंक्रेडिबल फिशरीज। धन्यवाद, जय हिंद।